क्या बता सकते हैं इसके लिए। तो अभी इसको मैं दफनाने जा रहा हूँ उधर, तो इसको फिर। हेलो दोस्तों, सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसा है दोस्तों? तो दोस्तों आप लोग उम्मीद अच्छे होंगे। कैसे तो दोस्त, हमारा एक बकरी बीमार था बहुत, उसको 10-12 बटल पानी भी चढ़ाया। तो दोस्तों क्या बताऊँ हम अपना मुसीबत का, इधर का हालत क्या कैसे है। तो हमारा ये जो बीमार था, हम कपिल को नहीं बोला था पहले, तो कपिल को आज बोला मरने के बाद, तो 2 दिन पहले बोला, बहुत बीमार था तो 2 दिन पहले बोला था उसको। तो मेरे ऊपर इतना चिल्लाया तो पहले क्यों नहीं बताया, और कमज़ोरी भी बहुत हो गया है बकरी, और पानी भी चराया और अच्छा भी नहीं हुआ, मर गया पूरा। तो इसका एक इधर बच्चा आया है, तो इसका भी बहुत मुसीबत हो गया, दूध दूध कैसे पिलाएगा। ये बच्चा है उसका, सामने मेरा उंगली का सीधा है बच्चा, तो बहुत दिक्कत हुआ उसका। तो अलग अलग माँ का अलग अलग बच्चा है अभी, तो इसका ही दिक्कत हो गया अभी फिलहाल। तो हमारा कपिल हमारे ऊपर बहुत चिल्लाया, क्या बता सकते हैं इसके लिए। तो अभी इसको मैं दफनाने जा रहा हूँ उधर, तो इसको फेंक देगा उधर जाके, दफनाएगा नहीं, दफनाएगा तो फट के बास आ रहा है, वो ऐसे ही फेंक देगा जिबाला में इधर। तो दोस्तों हम तो अभी जा रहे हैं इसको फेंकने के लिए, तो क्या बताएं दोस्तों, हमारा बहुत सारा मजबूरी है इधर, तो कैसे कैसे काम करना पड़ता है इधर, और ये पूरा गाच उच मुर्गी कितना, एक भी मुर्गी बीमारी रहता ना, हमारा कपिल बहुत गाली देता हमारे ऊपर। अपना मजबूरी, अपना दिल का मजबूरी आप लोग को मैं बताता हूँ। तो जो भी भाई कोई दाना चाहता है तो आप सोच समझ के आइए, आने के बाद आदमी लोग फंस जाता है इधर, बोलता घोड़े का काम था आगे पकड़ाता था मुर्गी का काम पे, बोलता कबूतर का काम में था आगे पकड़ाता था खेती बाड़ी में काम में। तो आप लोग हमारा वीडियो को, हमारा बात को ध्यान से सुनेगा ना आप लोग, तो आप लोग को मालूम पड़ेगा हम आया था घोड़ा का काम पे, तो आगे पकड़ा दिया बकरी का काम, मुर्गी का काम, और जीवाला फेंकने का, और झाड़ उड़ में पानी देने का काम पकड़ा दिया इधर। क्या करें, मैं इतना अच्छा घोड़े का काम करता था, आगे हमको एक काम पकड़ा दिया। थोड़ा सा कुछ होता है मुर्गी का आँख खराब होएगा, बीमारी पड़ेगा, तो हमको गाली मारता है। यहाँ का कबीर किसी का होता नहीं, यहाँ का कबीर बहुत खराब होता है। तो आप लोग सोच समझ के आइए, और जो अपना जानकारी अपना रिश्तेदार है तो उससे भेजा दीजिए भाई। तो हमारा ये गुजारिश है, गैर आदमी से भेजा मत दीजिए या ऑफिस से मत लीजिए, तो काम में आगे फंसा देगा ये तो बहुत। तो दोस्तों इतना सा मुर्गी मरता है तो हमको इतना गाली देता है, हैमार हमार चद्दा क्या क्या बोलता है समझ में नहीं आता है। हम हिंदी में उसको कांड करता बोलता है मादा चोट बेटी चोट, ऐसे गाली बकता है, समझा। तो इतना बकरी मरा, इतना बड़ा बकरी मरा, जब से लेके आया 6 महीना 1 साल हो गया, एक बच्चा दिया आज, ये बच्चा बच्चा देने के बाद 1 हफ्ता हुआ बच्चा देने का, अभी ये मर गया। तो आके अभी आज आएगा हमारा, तो रमजान है ना, सामान तमान लेके आएगा, तो आएगा तो हमको बोलेगा क्यों मारा, कैसे मारा, गालिब मारेगा वो, बोलेगा हमार चद्दा, हमको क्यों नहीं बोला। तो दोस्तों तो 2 दिन पहले तो हमको बोला था पानी चरा, तो मैं पानी चराया, देख सकते हैं इधर पूरा बाल निकाल के मैं इसको पानी चराया, खून भी लगा हुआ है यहाँ पे, तो 6-7 बता